हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, जी, मैंने वो यूट्यूब में आपका एक वीडियो देखा, क्योर फॉर ऑल डिजीज, राइट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मुझे टाइप 1.5 डायबिटीज है, तो इसके लिए क्या कुछ है क्या? डायबिटीज क्या टाइप 1.5? 1.5 क्या होता है? ऐसा टाइप 1 एंड 2 के जो बीच वाला रहता है वो। तो कुछ नहीं सुना कभी। एनीवे, आपका क्या एज है? कब 33, से है? 2 2.5 साल से। हेलो। 2.5 साल से। आपका वेट और हाइट कितनी है? वेट मेरी 45 है। वेट मेरी कम हो रही है रिगार्डिंग डायबिटीज के कारण, क्योंकि काफी रिस्ट्रिक्शन है खाने के, एक मिनट तो एक मिनट एक मिनट, क्या चीज बताया? आपका हाइट कितना वेट होता है हाइट मेरा 5.3 है। और वेट 45 बताया ना? हाँ, अच्छा, पहले कितना था? आप पहले 52 51 ऐसे ही रहता था, तो जस्ट जब डायबिटीज आया तो एक्चुअल वेट ही कम हो रहा था, तो फिर मैंने वही मतलब डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मेरी वेट कम हो रही है, तो वो डायबिटीज निकला। डायबिटीज में डॉक्टर ने बताया टाइप 1.5 डायबिटीज है, ना टाइप 1 है ना टाइप 2 है, बट वही है, तो अभी इंसुलिन है आप आपकी। इंसुलिन ले रहे हो? हाँ, अभी मैं इंसुलिन ले रही हूँ, तो आपने 2 साल एज कितना से बताया? 33 ना? 33। हाँ, आप को दो कितने साल पहले बताया एग्जैक्टली? दो या ढाई तीन? साल 2.5 साल 2.5 साल हो टू गया। थाउजेंड एटी अक्टूबर में डिक्लेयर हुआ था। तो उस समय कितना आया था शुगर? शुगर उस समय मेरी आई थी 346 मॉर्निंग की आई थी, एंड जीटीटी टेस्ट करा था तो वो 500 समथिंग आई थी। आप और क्या करते सी हैं? अब हाउसवाइफ हैं? हाँ मतलब हाँ जी हाँ जी हाउसवाइफ हूँ मैं। टाइम होता है आपके पास? हाँ जी हाँ जी, कंप्लीटली टाइम होता है, जो मतलब एक तो रूटीन मैं। बताएंगे उसको फॉलो करोगे ठीक से? हाँ जी, आप बताओ जो और फीस भी बताओगे दोगे सब। आप ठीक होने के बाद? हाँ जी, फीस 2 गुना दूंगी, 3 गुना दूंगी, आप जितना बोलोगे वो देंगे। मैं 2 साल से काफी परेशान हूँ। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का ट्रीटमेंट फॉलो कर रही थी, बट उसमें भी क्या है ना, जैसे 3 मंथ्स मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो मेरी 4 यूनिट इंसुलिन में मैं आ गई, फिर से वो बढ़ गई। अभी अभी मैं 8 यूनिट इंसुलिन लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में, खाली पे सुबह मॉर्निंग में 4 यूनिट लेती हूँ एंड इवनिंग में 4 यूनिट लेती हूँ। आप अपना शुगर कितना मेंटेन करके चलते हो? अजी अभी तो मेरी सुबह की ज्यादा आती है एंड नाइट की कम आती है। अभी मेरी आज मैंने चेक करा थी, मेरी सुबह की 175 आई थी, और रात को डिनर के बाद फिर मैं चेक करती हूँ तो मेरी वही 130 140 के आसपास रहती है, लेकिन मेरी सुबह की बढ़ जाती है। रात में मेरी सही रहती है, सुबह की बढ़ जाती है, मतलब 30 40 ये बढ़ जाती है। आपका जब डायग्नोज हुआ था तो आपको यूरिन कितना आता था? यूरिन मेरे को तो कोई सिम्टम्स ही नहीं थे, बट बस मेरी वो थी ना कि मेरी वेट कम हो रही थी, नॉर्मली तो सारी थी, बहुत ज्यादा नहीं थी। अब आप इसको ठीक होना कब मानोगे? जब आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा और शुगर कितनी हो जाएगी? 150 चलेगी? हाँ, 150 200 के अंदर रहे ना, 200 के अंदर भी रहे और मेरी यूनिट्स बंद हो जाए, मतलब इंसुलिन बंद हो जाए और मेरा वेट गेन हो जाए, तो मैं मतलब सोचूंगी कि हाँ मैं अब ठीक हो पूरी गए तरह ठीक हूँ। हाँ, और जो मैं बताऊंगा कम से कम 3 महीने करेंगे। 3 महीने क्या, आप सर कितना भी बोलो मैं कर लूंगी। मैं 2 साल से यही सब कुछ कर रही हूँ। अभी मेरी वेट तो बढ़ गई थी, मतलब ऑलमोस्ट 50 kg मेरी वेट बढ़ गई थी, लेकिन फिर मैंने एक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया तो मेरी वेट कम हो गई, यूनिट्स कम हुए थे बट फिर से वो बढ़ गए, मतलब कम, मतलब 4 यूनिट्स में मेरी आ गई थी। सुबह की 123 आई थी एंड रात के डिनर के बाद मेरी 117 आई थी, लेकिन वेट तो मेरा कम हो गया। और फिर उसके बाद 1 वीक के बाद मैंने चेक करा तो मेरी फिर से शुगर हाई हो गई, मतलब फिर से अभी मैं 4 4 यूनिट आपने लगा रही कभी हूँ। ये सोचा है कि जब आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे विश्व रॉय चौधरी को या नेचुरल ट्रीटमेंट कुछ ले रहे हो, तो आप फोकस करते हो कि आपका एनर्जी कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, आपको वीकनेस हो रही है, आपको? हाँ, एनर्जी तो मेरी अच्छी मतलब हुई थी, अभी एनर्जी तो सही रहती है। एनर्जी मतलब मुझे फील नहीं होता है वीकनेस, और ये कभी फील नहीं होती है, बट मेरा बस वही है ना कि वेट कम होता जा रहा है, और वही है कि शुगर मतलब इंसुलिन बंद करो तो फिर हाई हो जाती है। इंसुलिन बंद करने पर कितनी चली जाती है? 300+ चली जाती है अभी। तो बेसिकली अगर इंसुलिन बंद करके 150 200 के बीच में आए थे तो यू आर ओके। हाँ, 100% आई एम फुल्ली सेटिस्फाई। अच्छा, आप 3 साल पहले बताओ, जब आपको डायबिटीज नहीं था हाँ, तब आप कितना पानी पीते थे अंदाजे से? अंदाजे से 2.5 3 लीटर पीती होंगी। और चाय कितना पीते थे?
चाय 1 to 2 times ओनली। और दूध? दूध 1 times। फ्रूट्स? फ्रूट्स पहले मैं खाती नहीं थी, मतलब बहुत इग्नोर करती थी फ्रूट्स। जब मुझे डायबिटीज हुआ तो मैं ज्यादा फ्रूट्स खाने लगी। और दही की चीजें, लस्सी वगैरह? कभी कभी जैसे फास्टिंग करा तो वही लस्सी उसी ज्यादा पीती थी, अदरवाइज ऐसे नहीं, ज्यादा नहीं। पर 2.5-3 liter तो आप पानी पीते थे? हाँ हाँ, पानी तो 2.5-3 liter में। और आपका मूवमेंट कितना होता था, चलते कितना थे दिन में? अब जितना काम को लेकर चलती थी उतना। घर के अंदर को छोड़कर? घर के अंदर बस, नहीं, वो छोड़कर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करती थी मैं। जो भी मतलब बोलती हूँ ना, वर्कआउट से लेकर डाइट से लेकर सब कुछ मैंने वो के बाद स्टार्ट किया। मेरी डायबिटीज आने के बाद ही मैंने वॉकिंग स्टार्ट करा, देन फिर वो फ्रूट्स ज्यादा खाने लगी, और उसके बाद आपका मतलब मिल्क डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर दी। ये सारे मतलब मैंने डायबिटीज आने के बाद मैंने अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस किए, लेकिन मेरे को 100% रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। फिर मैंने आपका देखा आज यूट्यूब में, फिर आपका वो वेबसाइट खोल कर भी देखा, तो मुझे लगा एक बार बात करनी चाहिए आपसे। देखिए अभी ना पीछे जैसे आपको बिशुल रॉय चौधरी का रिजल्ट मिलता ना कि कभी कम हो जाता है फिर उसके बाद गड़बड़ कर जाता है, तो वैसे ही कुछ रिजल्ट हमें भी मिल रहा था। अच्छा, अभी पिछले 2 महीने से क्या हुआ ना, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैं मतलब जो उनका आपको पता है ना डाइट क्या चल रहा है? हाँ, मालूम है। हाँ हाँ, तो जब मैंने फर्स्ट में 2 साल से उनका नॉर्मल वाला ले रही थी, मतलब प्लेट 2 ले रही थी, तो मेरी मतलब 32 units से मैं 9 units में मैं आ गई थी। 9 units में मेरा एकदम अच्छा शुगर लेवल चलता था। पहले 40 ले रहे थे? 40? नहीं, 32 units ले रही थी जब मेरे को डिक्लेयर हुआ था तब। अच्छा, डॉक्टर ने जब 32 units जब मेरे को चेक किया तो आपको बोला 8-8 ऐसे यूनिट, 10 units ऐसे। मैं आपको बताया तो मेरे को क्या क्या अभी तक, अभी पिछले 2 महीने के रिजल्ट बताया था, किस किस लोगों का क्या क्या मिला है। हाँ जी सर। एक 12 साल का बच्चा था। हाँ जी सर। उसको फरवरी 2021 के अंदर पता चला था। अच्छा। उसको ये बताया कि इस तरीके से करना है, पानी पीना है और खाना खाना है। 4 दिन के अंदर उसका 100 के नीचे आ गया इंसुलिन के बिना। ओके सर। उसके 4 दिन के बाद से लेकर अगले 1 महीने तक फाइट ये हुआ कि उसका जो शुगर लेवल है वो 40-50 आ जाता था। ओके सर, विदाउट इंसुलिन सर? विदाउट इंसुलिन 40-50 पर था, और उनके मदर को ये चिंता थी कि ये कोमा में, मतलब उन बाकी लोगों से भी बात होती थी, वो बोलते थे बहुत कम है, ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल में लेकर 2-2.5 लाख रूपये खर्च दिया उन्होंने। हॉस्पिटल में पता नहीं वो क्या देते थे, 350 आने लग गया। अच्छा, उसते ही। अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं दे तो कुछ भी नहीं दे, और डिस्चार्ज सबरी में भी कुछ नहीं है। उसके बाद फिर घर आए तो अब फिर दोबारा से ठीक होना शुरू हो गया। और दूसरा रिजल्ट क्या हुआ कि 15-20 दिन के अंदर उस बच्चे का जो 10 किलो वेट कम हुआ था उसमें से 8 किलो वापिस आ गया। ओके सर। और बच्चा वैसे नॉर्मल था, सब कुछ कर रहा था, बट बीच में कभी कभी उसका शुगर गिर जाता था, और ज्यादातर उसको सिम्टम भी नहीं आते थे, सिर्फ रात को थोड़ा पसीना आता था। परंतु साथ के साथ उन्होंने बीच में ना वो दूसरे लोगों की भी बांधना शुरू कर दिया था, जूस पिलाना और बाकी सब भी शुरू कर दिया था, तो शायद उसकी वजह से हुआ। कुछ इतनी लोगों की बातें बीच में आ गई ना, कुछ समझ नहीं आया। अभी 6 साल की एक बच्ची है, उसको शायद 1 साल से ज्यादा हो गया, तो जो तो 1 साल से कम होता है, मतलब थोड़े 1-2 महीना होता है, उसका रिजल्ट तो जल्दी आ जाता है। इनका ये थोड़ा सा मतलब ये समझ लो कि 60-70% के करीब कर रहे हैं। पहले तो इनको इंसुलिन दे रहे थे, तो अब मेरी कल बात हुई है, वो भी मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया, उनका रिजल्ट फाइनली है कि पीछे 4-5 दिन में 3 दिन बंद कर दिया था, तो भी शुगर ठीक आ रही थी, 200 के नीचे आ रही थी, और बीच में कभी कभार एक आध बार शूटअप कर रही थी। तो अभी उनका इंसुलिन पूरी तरीके से बंद नहीं कराया था, मतलब जैसे दिन में पहले 2-2 units करके 4 बार देते थे, तो उसके बाद 1 unit पर एक बारी पर आ गए हैं। तो अभी उम्मीद यह है कि हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर उनका इंसुलिन बिल्कुल बंद हो जाएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं टाइप 2 की। ये दोनों टाइप 1 के थे। उसके बाद टाइप 2 की बात करें तो मैंने जो लास्ट प्रोग्राम चेंज किया था अपना, वो 27 फरवरी को किया था। तो ये कुछ लोग थे जो पिछले 2 साल से फॉलो कर रहे थे, इनको रिजल्ट मतलब कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, तो अभी पिछले काफी टाइम से ना इनका विदाउट मेडिसिन शुगर थोड़ा सा हाई आ रहा था। Okay, तो फिर 2 महीने के अंदर रिजल्ट ये आया है कि इनका जो शुगर लेवल है फास्टिंग का करीब 110-120 के बीच में आ रहा है। और जो पीपी है वो करीब 160 से लेकर 180-190 पर आ रहा है। ये तो नॉर्मली हुआ ना सर? हाँ, परंतु मतलब ऐसे 4 लोग हैं जिनको ये रिजल्ट मिला। तो बेसिकली अब के रिजल्ट को देखते हुए मेरा फोकस क्या होता है कि स्टूल अच्छा आना चाहिए, नींद अच्छी आनी चाहिए, भूख ठीक से लगनी चाहिए, ना ज्यादा हो ना कम हो, पेशाब ठीक से आना चाहिए,
और एनर्जी ओवरऑल अच्छी होनी चाहिए, आदमी को फील अच्छा होना चाहिए। तो अगर ये सारे पैरामीटर्स मिलते हैं तो फिर इसका मतलब उसके बाद तो 15-20 दिन महीने दो महीने के बाद ये ठीक हो जाएगा। तो अभी क्योंकि ये अलग अलग जनरेशन है, कोई 6 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 30 साल का है, तो एक तरीके से सभी के सभी ग्रुप हो गए और इन लोगों ने थोड़ा सा इसको ठीक से किया, इन लोगों के ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि इन्होंने ठीक से फॉलो किया। ठीक से का मतलब होता है 60-70%, 100% तो कोई भी नहीं कर पाता, मैं भी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन तो सर मेरे को आप बोलोगे तो मैं 100% फॉलो करूंगी, क्योंकि नहीं 100% मत करिए। देखो सुनो, 100% ही करती हूँ, 100% इसलिए भी नहीं करिएगा। 3 महीने से मैंने कुक्ड फूड नहीं खाया है। सब खाओ। हमारा पहला चीज है डाइट रेस्ट्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो, चाय नहीं लेना, दूध नहीं लेना, दूध की चीजें नहीं लेनी, वो भी कुछ दिनों तक। दो साल से मैं नहीं ली, 2.5 साल। नहीं नहीं, उसके बाद आप लेना चाहो तो हफ्ते में एक बार तो ले ही सकते हैं सब चीजें। मॉडरेशन के अंदर हर चीज अलाउड है, आपको दही खाना है, आपको दूध पीना है, आपको हफ्ते में एक दो बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मॉडरेशन में रखना है। जहां तक बाकी कुक्ड फूड की बात है, दुनिया भर का बाहर का खाना है, तला खाना है, जो मर्जी खाओ, पर अगेन एक दो बार हफ्ते में, हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा ध्यान रखना है शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे करके सब कुछ खाना शुरू कर दो, क्योंकि आपको सब कुछ खाने से ही हेल्थ बनती है। अगर आप एक ही तरीके खाना खाते रहोगे तो धीरे धीरे करके आप बीमार पड़ते जाओगे। तो ये जितना भी बिस्व रॉय चौधरी या कुछ भी है, फ्रूट के ऊपर करोगे तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाएंगे, बाकी चीज कम हो जाएगी। आप फैट ज्यादा लेना शुरू करोगे तो फैट आपको अगर पता नहीं, देखो दुनिया में हर तरीके की डाइट आई है, और जिस आदमी ने कोई डाइट इंट्रोड्यूस करी है वो आदमी उसी डाइट की वजह से मरा है। इसी तरीके से जैसे आप बिस्व रॉय चौधरी जैसे बात करें तो एक राजीव दीक्षित है, रामदेव है, ये सब लोगों का जितना भी सिस्टम होता है वो कुछ दिन काम करता है, उसके बाद नुकसान करने लगता है, क्योंकि वो एक ही चीज फॉलो करते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज है कि कोई सिस्टम ही नहीं है। आप एक दिन 3 गिलास पानी पियो, एक दिन 6 गिलास पियो, एक दिन 12 गिलास पानी पियो, तो सारा सिस्टम जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके से बनाया है बॉडी को समझ कर कि ये बॉडी में यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर इस इम्बेलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो अभी वो एकदम परफेक्ट चल रहा है। अगर आप उसको महीना भर भी ढंग से करोगे ना तो ऑलमोस्ट आपका इंसुलिन तो बंद हो जाएगा और 200 के बीच में रहेगा। 3 महीने के अंदर अंदर हमारा टारगेट होता है कि आप चीनी खाओ, जो मर्जी खाओ, और आपका शुगर 100 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, चाहे आप खाना खा के 10 मिनट बाद भी कर लो। अल्टीमेट टारगेट वो होता है, उसको कहते हैं कि भाई आप अगर आज से 5-6 साल पहले की बात करो तो आपको अगर आधा किलो मिठाई खा लोगे तो भी शुगर 100 के अंदर रहेगी। मेरा आज की डेट में 58 ईयर्स की एज है, मैं 1 किलो मिठाई खा के भी मेरा शुगर 100 के ऊपर नहीं जाता। चाहे खाओ या ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा होना चाहिए। 100% इंसुलिन बनेगी सर, तब तो ऐसे होगा। हम भी पहले बहुत खाया करते थे सर। मैं वही कह रहा हूँ, कुछ नहीं होता ये सब चीजें, अगर आप धीरे धीरे सोचोगे तो हो सकता है आपको शुगर तब हुई हो जब आपने शुगर खानी छोड़ दी। शुगर खाने से क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप मीठा खाओगे आपको प्यास लगेगी। आप पानी ज्यादा पियोगे, अभी आपने बोला 2.5 लीटर पानी पीते हो, परंतु अभी तो नहीं पीती सर। अभी तो मैं मतलब जो मेरे नेचुरोपैथी है ना वो मेरे को पानी यही कम ज्यादा करने के लिए बोले थे, तो जैसे अभी तो मैं ओनली रॉ फूड में हूँ ना सर, तो 2-3 गिलास ही पानी पीती हूँ अभी। मैंने अभी 6 मंथ से ज्यादा पानी नहीं लिया है सर। 6 महीने से पानी ज्यादा नहीं लिया? नहीं, ओनली 2 गिलास या 3 गिलास बस मैक्सिमम इतना ही लिया है सर अभी। आपको मैं एक छोटा सी चीज बताऊँ? हाँ जी सर। किसी भी क्रोनिक बीमारी का एक ही कारण होता है, बॉडी के अंदर इम्बेलेंस बनता है। अब वो इम्बेलेंस क्यों बनता है उसको समझो। आप 1 गिलास पानी लो, okay, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल दो। अब उस नमक के पानी को पी के देखो आपको नमक ज्यादा लग रहा है, कम कैसे करोगे उसको? पानी और डाल दोगे, पानी डालने से नमक कम हो जाएगा ना। परंतु अगर आपके सब्जी में होता है तो आपने कहीं कुकरी वगैरह में रेसिपी वगैरह में देखा होगा कि अगर आपके सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो आप आटे की बॉल्स बना के वो डाल दो, आटे की बॉल्स डाल देते हैं। तो उन तरीकों से भी कर सकते हो, तो अपने पेट में तो आटे की बॉल नहीं डालोगे ना आप? नहीं सर। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर इम्बेलेंस क्रिएट होता है। अगर आपके आपको नमक कम लग रहा है, मतलब आपने जो नमक ऐड किया कम लग रहा है परंतु नमक उतना ही डालना है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप नमक और पानी बनाओगे तो आप अगर पानी कम ले लोगे उतना ही नमक डालोगे तो नमक ज्यादा हो जाएगा। पानी कम ज्यादा करने से नमक कम ज्यादा हो रहा है, आपके बॉडी के अंदर इम्बेलेंस है। अगर आपने पानी कम कर दिया तो कुछ चीजें तो आपकी ज्यादा हो जाएंगी पर कुछ चीजों में दिक्कत हो जाएगी। आपका मतलब बॉडी का काम करने का सिस्टम होता है हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, आपको पानी लगातार कम ज्यादा करना है और कम ज्यादा करने से बॉडी धीरे 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 करके बैलेंस बनाती रहती है। और इमीडिएटली जैसे आज आपने कम पानी लिया, कल दूसरे तरीके से पानी लो, कल तीसरे तरीके से करो, तो वो बैलेंस बन जाता है। बैलेंस बनते ही आदमी ठीक हो जाता है 2 दिन में।
अगर आज की डेट में मैं पूरा अपना पुराना तरीका और नया तरीका मिला के चलता हूँ तो हफ्ते 10 दिन में भी ठीक हो सकता है, पर मेरे को मतलब ये लग रहा है कि इतना टेंशन लेने की जगह आपको भी टेंशन होगा, बार बार कॉल करना पड़ेगा, मुझे भी होगा, उससे अच्छा है कि स्लो प्रोसेस पे डालते हैं, आपको महीने डेढ़ महीने में ठीक हो जाएगा। क्या करना है सर मुझे? मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। आपका खाने का उसमें पानी का है कि आपको खाने के साथ पानी पीना है? साथ साथ का मतलब बीच बीच में पानी पीना है। ओके सर। और कुछ दिन होगा जिसमें आपको खाने से, अभी तो फिलहाल आप क्या करो, 2 दिन के लिए, नहीं सॉरी, अभी तो आप कह रहे हो पानी कम पी रहे हो ना, तो मैं आपको रूटीन दे देता हूँ। उसमें क्या है कि पहले दिन आपने खाने के साथ साथ पानी पीना है। ओके सर। उसके अगले दिन आपने खाने से 1 घंटे पहले पानी पीना है। तो सर मैं तो अभी ये नहीं खा रही हूँ सर, मतलब खाना तो नहीं खा रही हूँ, मैं तो सैलेड्स खाती हूँ। बंद कर दो सब चीजें, बंद कर दो। ओके नॉर्मल खाने पर आ जाओ। सर मैं एक मिनट आपको बताती हूँ अपना डाइट, फिर आप बताना मेरे को क्या करना है, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कुछ करने की जरूरत है, आप सब भूल जाओ। ओके सर, तो मैं क्या खाऊं सर वो तो आप बताओ। जो आप 10 साल पहले 5 साल पहले खाते थे। नॉर्मल खाना सर, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। खाने का शुगर से 1% भी कनेक्शन नहीं है। ओके सर। जितने भी लोग कोई भी डाइट चेंज करते हैं उनको कुछ टाइम के लिए कुछ फर्क पड़ता है, पर उसके बाद फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। हाँ जी सर, मैंने 2 साल से मैं यही सब कर रही हूँ। मैं बहुत मतलब कभी 6 यूनिट तक पहुंची, कभी 4 यूनिट तक पहुंची, 9 यूनिट में मेरा कंटिन्यू रहा, लेकिन फिर सर वो मतलब बोलते हैं ना पूरा 100% क्योर नहीं मिला, तो इसीलिए मैं मतलब आपकी बात मतलब 100% मैं आपकी बात से ये कर रही हूँ। मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ, एक दो चीजें बताता हूँ, आपसे मेरी बात हो रही है। हाँ जी सर, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है, एज इट इज यूट्यूब पर चला जाएगा, उसमें आप दोबारा से देख सकते हो, उसमें एक वर्ड भी कटा हुआ नहीं मिलेगा। अगर बीच में कॉल लाइन खराब हो गई, डिस्टरबेंस आ गई, वो डिस्टरबेंस को भी मैं एडिट नहीं करता, वो जैसा होता है वैसे बीच में कोई दूसरी कॉल आ गई वो भी एज इट इज डाल देता हूँ। ओके सर। तो इसमें कोई भी छूट नहीं होगा, ठीक है? नंबर दो, अभी एक जैसे पेशेंट एक और था, 33 ईयर्स की एज थी, अब वो उन्होंने बताया कि वो 64 यूनिट इंसुलिन रोज लगाते थे, महीने का 8-9 हजार रुपए खर्चा था। ओके सर। उनका पानी का इंटेक, चाय का, दूध का सब मिलाकर करीब 8 लीटर था। ओके सर। 8 लीटर से 4 लीटर, अच्छा इतना 64 यूनिट लगाने के बावजूद उनकी शुगर जो है 450 से ऊपर रहती थी, हाई भी होती थी। ओके सर। कभी नीचे आती नहीं थी, आपकी तो कभी कभार नीचे आती है ना, उनकी आती नहीं थी 64 यूनिट के बावजूद। जब उनका पानी 8 से 4 किया तो उनका 250 पर आ गया। ओके सर। उसके बाद 4 से 2 पर लेकर आए पानी के इंटेक को, तो उनका शुगर आ गया करीब करीब 100 के नीचे। ओके सर। तो इतना तेजी से फ्लक्चुएशन होता है, मतलब कुछ ही दिनों की बात है, 5-6 दिनों में इतना फर्क पड़ा। इसी तरीके से और भी पेशेंट हैं जिनको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, एक तो डायबिटीज होता है, एक और भी ज्यादा खतरनाक बीमारियां जो जानलेवा होती हैं, जिसमें ये इंसुलिन का सिस्टम भी बिगड़ जाता है, वहां पर भी 24 घंटे में जिनका 450 है 24 घंटे के अंदर उसमें पानी का इंटेक ड्रास्टिकली एकदम से रिड्यूस कर देते हैं। अभी ये जो चेंजेस है ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ईजी है और आराम से आप कर सकते हैं। इसमें दो ही कंसेप्ट होते हैं, एक तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप जो खाना खाते हो खाने से जो एनर्जी बनती है वो ज्यादा नहीं बन रही, इनडाइजेशन कह सकते हो इसको, ठीक है? अब आपका इनडाइजेशन का मतलब है कि एक आम आदमी को, हेल्दी आदमी को अगर खाना को पचाने में 5 घंटे चाहिए तो आपको ज्यादा टाइम चाहिए। तो पहला कंसेप्ट ये है कि इसमें जो डायबिटीज में बोलते हैं ना बार बार छोटे छोटे मील लो, वो नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ दिन में 3 बार खाना है और कोशिश करो एक बार 8 बजे खाओ, 1 बजे, 2 बजे खाओ, फिर 8 बजे खाओ, 6-6 घंटे गैप हो गया, 6 घंटे गैप रखोगे तो खाना ठीक से पचेगा। आप खाने को पचने को सब्जी बनाने के तरीके से डील कर सकते हो कि आपने 1 किलो सब्जी बनानी है तो ये थोड़ी करोगे पहले 100 ग्राम डाल दी, फिर 10 मिनट बाद 200 ग्राम डाल दी, फिर 300 ग्राम डाल दी, सारी एक साथ डालोगे ना, यही चीज खाने के साथ है। आप अगर बीच बीच में खाते रहोगे तो खाना नहीं पचेगा आपको, जो सब्जी का होगा वही आपका होगा, और अगर वो खाना पचेगा नहीं तो आपको ताकत नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी तो आपकी शुगर बढ़ेगी। 80% लोगों को, लेडीज को डायबिटीज होने का कारण होता है डाइटिंग करना, 80% कारण होता है जो थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, सबका कारण होता है कि जो लेडीज होती है वो जेंट्स के मुकाबले में ज्यादा डाइटिंग करती है। अगर आप थायराइड को भी देखोगे ना तो लेडीज को 8 गुना ज्यादा होता है मेल से। ओके हाँ सर वो तो है। इसी तरीके से आप और भी चीजें देखोगे तो उसका कनेक्शन भी इससे, आज की डेट में लेडीज को पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम इतना तेजी से बढ़ रहा है, उसका कारण भी होता है कि जिसको देखो खाना छोड़ के बैठ जाते हैं, जैसे खाने से वेट कम हो जाएगा। जबकि मैं जिसको वेट कम करना है उसको भी बोलता हूँ गले तक भर के खाओ, वेट उसके बावजूद कम होगा। ओके सर। आपका वेट अगर देखो सेम प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से मैं वेट बढ़ाता हूँ, उसी प्रोसेस से मैं कम करता हूँ। अगर किसी का 80 किलो वेट है उसको 50 किलो लेकर आना है तो वॉक एंड रेस्ट करो और ये शेड्यूल फॉलो करो,
अगर किसी का 45 है जैसे आपका, तो अगर उसको 50-55 पर लेके जाना है तो भी यही रूटीन है, क्योंकि वॉक एंड रेस्ट करना है सर इसमें भी। हाँ सभी में करना है, 15 बारी हर घंटे में 5 मिनट चलना है सिर्फ। अच्छा, और उसके बाद लेते हैं 5 मिनट, तो पूरे दिन में 15 बारी वो करना है। और दूसरा काम है कि आपको सुबह 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे खाना खाना है। और पानी का मैं बता देता हूँ आपको, व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ मैसेज, आप उसको रूटीन को फॉलो करो, आपको अपने आप 15 दिन में दिखाई दे जाएगा। मैं व्हाट्सएप नंबर सेंड बताऊं सर आपको? आप हाई लिख के भेज दो बस। अच्छा इसी नंबर पे सर? इसी पर भेज दो। ओके सर। ओके। और मैं नॉर्मल जो मतलब अभी वाला डाइट टोटली भूल जाती हूँ सर? बिल्कुल भूल जाओ, एकदम से भूल जाओ। जो नॉर्मल रोटी सब्जी चावल दाल सब्जी बनाती हूँ घर पे, जो हाँ, मेरे हाँ, घर पे मेरे बच्चे को मेरे हस्बैंड को देती हूँ, मैं वही खाना 3 टाइम्स खाऊँ ना सर, 8 बजे 2 बजे। हाँ, उससे आपका टाइम भी बच जाएगा और दूसरी चीज है पैसे भी बचेंगे। और पैसे नहीं सर, मैं बहुत पीसफुल फील करूंगी, मैं पागल हो गई हूँ सर अब, मतलब अपनी डाइट फॉलो कर करके और इतना सारा इंतजाम कर करके कि मुझे 5 तरह के फ्रूट चाहिए तो 5 तरह की कच्ची सब्जियाँ चाहिए। वही तो कह रहा हूँ, पैसे भी बचेंगे उसमें, आप फ्रूट नहीं खाओगे तो पैसे तो बचेंगे। हाँ नहीं बस सर, हम मतलब हो सकता है आज मैंने आपका फर्स्ट मतलब ऐसे वीडियो देखा, हो सकता है आज का दिन मेरे लिए अच्छा हो। आज का दिन नहीं, हमेशा लाइफ अच्छी होगी आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगा उसके बाद। आप जिस जिसको बताओगे ना, मतलब अभी तो लोग इतना करते हैं, बस आप मेरी फीस मत भूलना। सर मैं फीस क्या, मैं बोल तो रही हूँ मैं ठीक हो जाऊंगी तो आपको डबल ट्रिपल अब जितना बोलोगे मैं उतना। लोग फोन भी नहीं करते उसके बाद, फोन उठाते भी नहीं है। नहीं 110% सर, मतलब मैं डाइट से सर बहुत बहुत परेशान हो रही हूँ, मतलब ठीक है आपको ठीक करना, मेरा जिम्मेदारी हो गई, आप फोन नहीं भी करोगे तो मैं कर दूंगा 3-4 दिन बाद। ओके सर, मैं ठीक है सर, मैं तो अभी व्हाट्सएप में आपको हाई लिख कर भेजती हूँ, मेरा नाम दीप्ति है सर। ओके ठीक है, ठीक ओके, थैंक यू सर।